हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नज़ीर अहमद अब्बासी और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ट्रिक। बहुत सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में ऐसी होती हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना देखे, कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर सके। बहुत सारी आपकी ऐसी वीडियोज़ होती हैं, ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको आप चाहते हैं कि उनको कोई एक्सेस ना कर सके। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। आप कोई फोल्डर ले सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर। न्यू फोल्डर आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इम्पोर्टेंट फाइल्स का नाम देता हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल, ठीक है जी। इसके अंदर आपकी जो भी फाइल्स होंगी, जो भी आपकी वीडियोस हैं, जो भी आपके जो भी डाटा है जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दूसरों को, दूसरों से, उसको आप यहाँ पर डालेंगे। मैं एक न्यू फाइल, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ असेट डॉट टेक्स्ट के नाम से, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है कि इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपका जो फोल्डर है उसमें आपके जाके राइट क्लिक करना है, ऐड टू अर्चीव। राइट क्लिक, ऐड टू अर्चीव जाना है। ऐड टू अर्चीव में जाके आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इस फोल्डर के लिए जो भी आपका पासवर्ड है वो आप दे दें। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसको पासवर्ड को कन्फर्म कर लेते हैं क्या आया कि ये पासवर्ड ठीक है या नहीं। ओके करते हैं यहाँ भी, ओके। तो ये देखिए आपका एक प्रोटेक्टेड फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब आपने इस फोल्डर को डिलीट कर देना है क्योंकि इस फोल्डर को दोबारा कोई एक्सेस कर सकता है लेकिन इसके अंदर जो आपने फोल्डर रखे उसको कोई नहीं एक्सेस। इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से एड टू अचीव एक प्रोटेक्टेड फोल्डर हमारे पास आ गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा फोल्डर प्रोटेक्ट हुआ है या नहीं। ये इम्पोर्टेंट फाइल आपका फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर लॉक नहीं हो, जो आपकी फाइल्स होंगी उसके अंदर वो लॉक हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पासवर्ड मांग रहे हैं, दोबारा हम चेक कर लेते हैं, शायद हमसे कोई गलत बटन दब गया हो, लेकिन नहीं, ये हमारा पासवर्ड अब प्रोटेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें पासवर्ड इंटर करता हूँ, करता हूँ, तो ये मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसी तरह आपके पास जितनी भी आप फाइल हैं वो इसमें ऐड करके उनको पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है जी दोस्तों। मज़ीद ट्रिक्स और टेक्निक के लिए आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगले ट्यूटोरियल के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।